सीधे अभिषेक जी के पास चलता हूँ। अभिषेक जी, आपने केंद्र सरकार की बात भी सुनी, आपने राज्य सरकार की बात भी सुनी, आप पॉजिटिव शब्द निगेटिव हो गया है कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से क्या कोई कमी रह गई या हम लोग लापरवाह हो गए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, नवंबर के महीने में फिर से कोविड के आंकड़े दिल्ली में बढ़ने शुरू हुए और मुझे पता है कि ये बहुत नई बीमारी है, काफी स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं समझ पाई। तभी सरकार के खुद के अगर सीनियर डॉक्टर्स ने जिन्होंने एडवाइजरी जारी करी, मैं बताना चाहता हूँ, जो NCDC के डायरेक्टर हैं डॉक्टर पॉल, उन्होंने नवंबर फर्स्ट वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस जारी करी थी कोविड प्रिकॉशंस को लेके, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली शहर में एक दिन में 15,000 केसेस नवंबर में बढ़ेंगे, जिसमें से लगभग 3,000 केसेस प्रतिदिन हॉस्पिटलाइजेशन और उसके 20% यानी कि 600 ICU बेड्स प्रतिदिन दिल्ली में जरूरत पड़ेगी। दुख इस बात का है कि इतनी बड़ी एडवाइजरी को दिल्ली सरकार ने इग्नोर करा। दिल्ली के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग बसेस में पहले होती थी उसको बंद कर दिया, मार्केट्स को खोल दिया, और जिस तरीके से भी आपकी जो चैनल के अंदर जो भी लेडी भी बात कर रही थी कोमल जी, वो यही कह रही थी कि दिल्ली के जो प्रोटोकॉल थे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बसेस के अंदर जो रोक थी, उन सबको इग्नोर कर दिया गया। पहली नवंबर को दिल्ली में 51 डेथ्स थी और हमारा डेथ रेट 0.83% था, और 18 दिनों के अंदर दिल्ली में 131 डेथ प्रतिदिन और 1.48 आपका डेथ रेट बढ़ गया। तभी हाईकोर्ट ने यह फटकार दिल्ली सरकार को लगाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चैनल के माध्यम से, आज कोविड केसेस की जब क्रिमेशन के लिए बॉडी जाती है तो मिनिमम 5 से 6 घंटे की वहां वेटिंग है। दिल्ली के अंदर ICU बेड्स अवेलेबल नहीं है। मैंने अभी डिबेट के दौरान देखा तो जो दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो मात्र 122 ICU बेड्स दिखा रही है, और इसमें से मैक्सिमम ICU बेड्स जो है वो ऑन एप्लीकेशन है, रियलिटी में अवेलेबल नहीं है। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में फोन करोगे तो आज वही हालत है जो न्यूयॉर्क की हालत है। लोग हॉस्पिटल के बाहर लेटे हुए हैं, एक एक बेड पे 3-3 पेशेंट लेटे हुए हैं। अगर इस दौरान सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली सरकार ने भी बिल्कुल भी रियायत नहीं छोड़ी होती, इनको जिस तरीके से इन्होंने काम करना शुरू करा था उस काम को नहीं छोड़ना चाहिए था, तो आज दिल्ली की हालत नहीं होती। ठीक है, आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे।